वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो यस, तो फिर हो चुकी है और जानती हूँ काफ़ी दिन बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ, काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जिसका कारण कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी तबीयत डाउन है। और आप लोग जानते हैं कि डाउन क्यों है, क्योंकि नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। डाउन इसलिए है क्योंकि मेरी चल रही है दवाइयाँ, और इसी कारण से मेरा सब कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण मैं सोती रहती हूँ और कुछ भी नहीं करती, सिर्फ सोती रहती हूँ। और दवाइयाँ थोड़ी हार्ड है तो उससे भी थोड़ी नींद आती है मुझे, तो मैं दिन भर सोती रहती हूँ, रात भर सोती रहती हूँ, तो बस सोती रहती हूँ। और आज ब्लॉगिंग तो मुझे करना ही था, आज कुछ भी होता मुझे, अगर मैं बीमार भी होती, मैं बिस्तर में भी होती, तब भी मैं आज ब्लॉगिंग करती, जिसका कारण ये है कि आज शिमर का बर्थडे है। सो यस, आज शिमर का है बर्थडे और हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से सेलिब्रेट करें, उसका बर्थडे और उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो यस, वो आज 1 साल की हो चुकी है शिमर, और आज थोड़ा सा स्पेशल बन रहा है, जैसे कि छोला, छोले की सब्ज़ी और उसके साथ राइस वगैरह, आप देखते हो और क्या बनेगा, इतना पता है छोले की सब्ज़ी और राइस ज़रूर बन रहा है। और मुझे केक का नहीं पता आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज शिमर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पता नहीं क्यों है, शायद उसको ये लग रहा है कि हम लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार तो हमेशा करते रहते हैं, आज उसको डांट नहीं रहा है क्योंकि वो इतना उधम करती है तो उसको थोड़ा सा डांटना पड़ता है। तो आज बिल्कुल उधम कर रही है तो बिल्कुल नहीं डांट रहे, क्योंकि क्यों डांटे, आज उसका बर्थडे है, वो भी फर्स्ट बर्थडे, सो वो भी इंजॉय कर रही है अपना बर्थडे, और उसके साथ साथ मैं भी कर रही हूँ। मैंने नहा लिया है और मैं हो चुकी हूँ तैयार, मुझे जाना कहीं नहीं है, बस ऐसे तैयार हो गई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, थोड़ा कभी कभार तैयार हो जाओ तो अपने आप तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है खुद को देख के, खैर ये तो मजाक था। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को शिमर से मिलवाती हूँ, शिमर के बाद फिर मैं कुछ जाती हूँ बनाने। सो ये देखिए बैठी है शिमर, उसको आ रही है नींद, पता नहीं दिन भर सोती रहती है फिर भी उसको बहुत नींद आती है। हेलो शिमर, हेलो, देखो वो देख भी रही है। हैप्पी बर्थडे शिमर, आप 1 साल के हो गए, आज आपका बर्थडे है। बर्थडे पे कोई सोता है, गंदे बच्चे। ये मैं ऊपर से शूट कर रही हूँ, अभी बच्चे अंदर चले गए तो दिख नहीं रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैं छत पर आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं पूरा छत पर नहीं जा पाई, तो यहाँ पे सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। सोसाइटी का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे गाना वगैरह चालू है, और एक बच्ची शायद चाय है कि कॉफ़ी है, पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, तो वो शायद कुछ सबके लिए ही बनाई है उसने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, गाने वगैरह चल रहा है, बच्चे लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और भी बड़े लोग भी डांस कर रहे हैं, तो आप लोग भी देख रहे, आप लोग भी इंजॉय करें, आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं आज के दिन को। और मुझे नहीं पता इतना तेज गाना बज रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ सॉरी। और गाइस, हमारे छोले अच्छे से पक गए हैं, वो तलने लगे हैं, और मसाला भी हमने पीस लिया है, टमाटर और पीसना है, ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैं इसी जार में फिर से 2 टमाटर डालूंगी मीडियम साइज के, और साथ में छोले, जो उबले हुए छोले हैं वो भी इसी में डालेंगे, पीस के बनाएंगे इसे। छोले हमें ज़्यादा नहीं डालते, हम छोले को थोड़ा ऐसे ही डालेंगे, 5-6 बस, जिससे हमें ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो और टेस्टी भी लगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे कुछ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, शायद खाने में भी अच्छी होगी। अभी मैंने छोला डाला है, और मैं छोले जो जिससे मैं बॉईल कर रही हूँ वो पानी मैंने इसी में डाल दिया है, मैं अलग नहीं करती हूँ पानी, और अब इसमें खोला जाए, और फिर उसके बाद थोड़ी सी और सब्जी पक जाए, उसके बाद मैं इसे बंद करूँगी, और हमें सब्जी बस रेडी होने ही वाली है 5-10 मिनट बाद।
गाइस हमारी सब्जी बनने ही वाली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कैसे बनाती थी, यस मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं कभी कभार सब्जी बहुत ज़्यादा तरीके से बनाना मुझे आता है, कभी कुछ। तो आज ऐसे ही सिंपल वाली सब्जी बनाई है क्योंकि मुझे सिंपल खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। और मैंने उसमें छोला मसाला भी डाला। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, जैसे कि मैंने छोला मसाला डाला, जैसे सभी लोग डालते तो मैंने भी उसको छोला मसाला डाला। और काफ़ी लोग दही डालते तो मैं दही नहीं डालती हूँ, तो डालती हूँ मगर आज नहीं डाला दही। और छोले को उबालने से पहले मैंने उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा तेजपत्ता था और गोल मिर्च थी, काली मिर्च जिसे बोलते हैं, और था और क्या था, हम बड़ी इलायची, जो काली इलायची होती है ना, बड़ी इलायची वो था, और मीठी लकड़ी थी जिसे हम क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं, वो डाला था। तो बस यही चीज़ सब डाल के मैंने उसमें उबाल दिया था। और आप लोगों को एक सीक्रेट और बताती हूँ छोले बनाने की। मैंने, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने छोलों को पीसा क्यों, हम मैंने 10 से 12 छोले पीसे क्यों टमाटर के साथ। तो मैंने वो इसलिए पीसा क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सब्ज़ी थोड़ी पतली बन जाती है, तो मुझे थोड़ा सा उसका जो सब्ज़ी का ग्रेवी था वो थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए थी, और टेस्ट भी बहुत यम्मी आता है इससे। तो इसलिए बस ये छोटा सा सीक्रेट है। अगर आप लोग भी बनाए तो एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करके देखें कि थोड़े से छोले को टमाटर के साथ पीस लें, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और हमारी सब्ज़ी बस थोड़ी देर बाद बनने ही वाली है, और अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 1:15 हो गया है। और आज थोड़ा सा खाना लेट होगा क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये वाला खाना बनता है तो आप लोगों को कितना ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है ना, तो ये सब खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वेस्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भुनाई होनी रहती है। ये वाली सब्ज़ियाँ कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ रहती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भुनाई होनी पड़ती है, मतलब भुनाई करनी पड़ती है मसालों की, तो इसलिए और ये सब सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं खाने का वेट कर रही हूँ कि कब बनेगा, कब मैं खाऊंगी। ऐसे तो मैं कई बार बनाती रहती हूँ, आज बस ऐसे ही थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया कि मैं किस टाइप को बनाती हूँ, और जब मैं मसाला छोला बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए फिर मैं अपनी सब्जी का वेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं पी रही दूध, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चाय जैसा लग रहा है, तो नहीं, ये चाय नहीं है, इसमें प्रोटीन एक्स मिला है दूध में। और मैंने आप लोगों को बताया मैं चाय नहीं पीती हूँ, पीती भी हूँ तो काली चाय पीती हूँ जिसमें दूध नहीं रहता, वो वाली चाय, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है दूध की चाय। और मैं पी रही हूँ अब दूध क्योंकि भूख इतनी लग रही है कि क्या ही बताऊँ, और खाना बनने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा दूध पी लूँ। ये शिमर अपना बर्थडे मना रही है छोला चावल खा के। गरम है तो ये नीचे रख रख के खा रही है। अच्छा लगा? हो सकता है कि आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा शॉर्ट हो क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं और ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, तो इसके लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। जानती हूँ आप लोग थोड़ा सा गुस्सा होगे कि एक तो ब्लॉग्स लेट आते हैं, ऊपर से इतने कम ब्लॉग, तो सॉरी इसके लिए। और ये पीछे थोड़ा सा ये रखा है, क्या रखा है, बाइक पर रखा है, तो वो इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ वॉशिंग मशीन है पीछे, तो यहाँ पानी भर जाता है तो उसको निकालने के लिए। बाकी सब चीज़ इग्नोर कीजिए। हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और मैंने एक और शूट किया था व्लॉग जो कि डिलीट हो चुका है, इसके बाद मैं दोबारा बाहर आके शूट कर रही हूँ। पहले घर पे शूट किया था और अब मैं बाहर आकर शूट कर रही हूँ। पहले भी मैं जब घर पर शूट किया जो डिलीट हो गया उसमें भी मैंने वेरी वेरी गुड इवनिंग बोला था, और अब फिर मैं गुड इवनिंग बोल रही हूँ क्योंकि वो वाला शूट मैंने बताया ना आप लोगों को कि जैसे कि डिलीट हो गया। और मैं आई हूँ शिमर के साथ घूमने। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने दिन भर क्या किया शिमर के बर्थडे पे, तो कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, बस जैसा जो रहता है डेली का बस वही था। और आप लोग सोच रहे हो कि एक डॉगी का बर्थडे, तो यस मैंने डॉगी का बर्थडे इसलिए मनाया क्योंकि जब आपके घर में कोई भी मेंबर आते हैं न्यू, या फिर एनिमल हो या कोई भी हो वो आपका फैमिली मेंबर बन जाते हैं। और ये मुझे इसने बांध दिया है, एक मीठा शिमर है यहाँ पे मेरे साथ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने डॉग्स का या फिर कैट
या उनके घर में जो भी पले हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो अपना एक हिस्सा मानते हैं अपनी फैमिली का। सो यस, मैं भी ऐसे ही समझती हूँ। और ये देखो मेरा पैर पूरा गंदा कर दिया है शिमर ने, धूल वूल उड़ा रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और तो मैंने शिमर का ऐसा बर्थडे बनाया, हो सकता है कि शाम को केक आए या फिर आइसक्रीम आए, क्योंकि शिमर को दोनों ही चीज़ पसंद है। और आज बना था छोला, जैसे मैंने आपको बताया था छोला राइस बहुत टेस्टी बने थे, और छोला इसलिए बना था क्योंकि शिमर खाती भी है छोला, तो बस यही कारण है कि मैंने छोला बनाया था। और मैं हूँ बाहर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो शिमर भी घूम रही है, मैं भी घूम रही हूँ, और पीछे बच्चे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पे बस घूम रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से बातें कर लूँ, और व्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा लंबी करनी है, मगर मेरे घर पर लाइट गोल हो गई है और मेरा मोबाइल हो चुका है पूरा डिस्चार्ज, जिसके कारण मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा। तो बस थोड़ा सा ही बैटरी है मेरे फ़ोन में, और फिर ये भी चली जाएगी तो मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। इसलिए अब मैं घर जाऊँगी और देखती हूँ लाइट आई कि नहीं, लाइट आ गई होगी तो चार्ज पर लगाऊँगी, उसके बाद मैं व्लॉगिंग करूँगी। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कहाँ बैठे हो? गिर नहीं जाना। ये देखिए गाइस, ये कहाँ बैठी है, ये मुझे तो डर लग रहा है नीचे गिर ना जाए। शिमर, आज आपको अच्छा लगा? शिमर बोल ही नहीं रही है, कहाँ कहाँ देख रही है, पता नहीं किस किस को। गाइस, तो काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं घर पर हूँ, और उससे पहले आपने देखा कि मैं बाहर गई थी शिमर को घुमाने के लिए। तो यस, मैं बाहर गई थी, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे आए, और मैं जब घर आई तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने लगी। फिर अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट आ गया था तो उसका मैं अनबॉक्सिंग भी की वीडियो भी मैंने बनाई, तो काफ़ी जल्दी वो मेरे ब्लॉग में आने वाली है। और वो क्या है, आप ब्लॉगिंग में चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बता देती हूँ क्या है। वो है एक टेबल है, बेड टेबल, जिसपे लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं, तो वो है बेड टेबल। तो यही हम लोगों ने ऑर्डर की थी, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, ज़रूरत भैया को थी। ज़रूरत इसलिए थी भैया को क्योंकि वो बेड पे, अधिकतर वो बेड पे ही काम करते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता था कि ऐसे झुक के मतलब काम करे, तो उन्होंने इसलिए मंगवाया था अपने लिए। और वो 450 की है, बाकी आप लोग वीडियो में देख लेना जब भी वो आएगी, तो जल्दी ही मैं उसको अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इस ब्लॉग को अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, हैशटैग शिमर बर्थडे। सो यस, हैशटैग शिमर बर्थडे। और आज वैसे कुछ खास नहीं हुआ कि बर्थडे था तो कुछ खास, बस ये है कि कुछ अच्छा बना था जो शिमर को पसंद है, छोले वगैरह शिमर को पसंद, तो यही सब बना था। और अभी बन रहा है रात का खाना, खाने में क्या बन रहा है मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या बन रहा है। जो भी बनेगा तो देखते हैं क्या बनेगा। हो सकता है जिसका कारण ये है कि मेरे मोबाइल का जो स्पेस है वो पूरा फुल हो गया है, और अब मैं ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। काफ़ी सारी बातें थी जो कि अब नहीं कर पा रही हूँ, और एक बात और बता दूँ, बस मेरे पास एक मिनट का टाइम और है, एक मिनट और स्पेस है, तो मैं सॉरी एक MB का स्पेस और है, तो मैं जल्दी से बात करती हूँ आप लोगों से कुछ। कल होली थी, तो आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा होली की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मेरे तरफ से। सॉरी थोड़ा लेट हूँ, मुझे सुबह बोलना था मगर मैं नहीं बोल पाई। और कल मैंने अपने जो मेरे जो सोसाइटी के बच्चे लोग हैं उन लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे होली के टाइम पे, मतलब कल होली थी तो लोग मस्ती कर रहे थे, मैं इसका थोड़ा सा क्लिप लिया था, वो इसी में डाल दूंगी। और आज दूज है, तो सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और मैंने होली नहीं खेली थी, मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ कि मैंने होली नहीं खेली थी, क्योंकि मैं खेलती भी नहीं हूँ। पहले खेलती थी अपने दोस्तों के साथ, मगर अब नहीं खेलती हूँ क्योंकि अब मैं एक पेशेंट हूँ, वो भी कैंसर पेशेंट, तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं खेला। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर कर रही हूँ एंड, मिलूंगी कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।